हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी अनुपम रसायन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में हम लोगों को 5.17% की रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके पीछे की रीजंस की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे हम लोगों को दो न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके इम्पैक्ट की अगर हम लोग बातें करें तो वो इस कंपनी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे डाल रहा है, जिस वजह से आज आप लोगों को इस कंपनी में 5% से ज़्यादा की रैली यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इनके शेयर होल्डर्स के लिए, इनके जो जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो उन सभी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पे अगर हम लोग अपने पहले न्यूज़ की यहाँ पे बातें करें तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहली न्यूज़ एक्वाइजेशन से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसने टेनफेक इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लगभग 24.96% स्टेक यहाँ पे एक्वाइजेशन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही ये न्यूज़ यहाँ पे आई है, वैसे ही हम लोगों को इस कंपनी में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, जो कि 4% से ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पहली न्यूज़ है वो वाकई में शानदार यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड इससे भी अच्छी खबर यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ है वो हमको देखने को मिलती है। सो सीधा यहाँ पे हम लोग अपने सेकंड अपडेट के ऊपर यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है दोस्तों, उन्होंने अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया है अमित खुराना जी को, जो कि आप देख सकते हैं कि CFO के तौर पे यहाँ पे बदौलत पे यहाँ पे इस कंपनी में यहाँ पे काम करने वाले CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स के रूप में अमित खुराना जी यहाँ पे अनुपम रसायन में काम करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 14 मार्च से ये हम लोगों को इफेक्टिव भी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, मतलब कल के दिन से ही ये यहाँ पे कंपनी के CFO यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आज उनका दूसरा दिन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, एंड यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इनका जो एक्सचेंज हुआ है दोस्तों, वो अफजल मलकानी के जगह पे अमित खुराना जी को यहाँ पे CFO के तौर पे यहाँ पे कंपनी में ज्वाइन किया गया है। तो देखा जाए तो जो सेकंड अपडेट है दोस्तों, वो भी हम लोगों को बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, एंड इन्हीं दोनों न्यूज़ के बदौलत पे आज हमको हमारी कंपनी में करीब 5% से ज़्यादा की रैली यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि अगर आप चाहे चार्ट पर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रैली है वो शानदार देखने को यहाँ पे मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग इस कंपनी की भी बातें करें दोस्तों, तो ये कंपनी हम लोगों को बहुत ही अच्छी भी देखने को मिलती है, फंडामेंटल्स की बातें करें तो स्ट्रांग ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन यहाँ पे देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में अगर इस कंपनी को देखें तो लगभग ये 18 से 19% यहाँ पे हम लोगों को अपने हाई से डाउन देखने को मिल रही है। सो हम कह सकते हैं कि ये अभी हम लोगों को सस्ते दाम में भी यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बाय करना चाहे तो इसको यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। देन अगर इसके परफॉर्मेंस की बातें करें तो पिछले एक साल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी 24 मार्च से ही मार्केट में आई है, एंड तब से लेकर के अब तक की अगर यहाँ पर हम लोग रिटर्न की बातें करें तो आप देखिए 71% की रिटर्न्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ ये भी आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कंपनी में मतलब मार्केट को देखा जाए तो जब से मार्केट में यहाँ पे गिरावट हुई है तभी ये कंपनी हम लोगों को गिरावट के रूप में देखने को मिल रही है। उससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी यहाँ पे लगातार अच्छा परफॉर्मेंस ही कर रही थी, एंड यहाँ पे ऊपर की ओर ही जाते हुए हम लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब ये कंपनी मार्केट के साथ साथ चलते हुए भी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव साइन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका देखने को मिल रहा है, एंड बैक टू बैक इसका परफॉर्मेंस अच्छे ही देखने को मिल रहा है, ओवरऑल हर सब चीज़ मतलब इसका अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। सो दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड आज जो अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।